दोस्तों मैं मेरा सीपीयू यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, सीपीयू का पावर बटन मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पावर बटन में कोई लाइट नहीं आ रही, कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है मेरा सीपीयू स्टार्ट हो नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पावर बटन दोबारा प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे सीपीयू में पावर नहीं आ रहा है, तो पावर नहीं आ रहा है तो मुझे चेक करना है कि आखिरकार मेरा पावर क्यों नहीं आ रहा है। तो पावर सप्लाई कैसे चेक करते हैं, पावर केबल कैसे चेक करते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। सीधी बात नो बकवास, चलिए ये हार्डवेयर का वीडियो शुरू करते हैं खास, लेट्स बिगिन। तो हम पावर सप्लाई कैसे चेक करना है ये तो जानेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट डेफिनेटली बनोगे। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं जिसका नाम है learnmocro.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है आपके लिए, उस वेबसाइट पे जाकर देखिए, 90-95% ऑफर चल रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज है, टैली प्राइम है, एडवांस एक्सेल है, DTP के कोर्सेज है यानी फोटोशॉप कोरोड्रा, एंड कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए ढेर सारे कोर्सेज और भी आने वाले हैं। तो आप जाकर जरूर चेक कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्सेज में इनरोल कीजिए क्योंकि ये कोर्सेज लाइफ टाइम के लिए एक्सेस है। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है और ढेर सारी चीजें इस कोर्सेज में अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाकर चेक कीजिएगा और इनरोल कीजिएगा। और कोर्सेज रिलेटेड और जानकारी चाहिए, जैसे कि कोर्स कैसे खरीदना है और कोर्स में सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, उन सभी के लिए वेबसाइट पर मैंने सपोर्ट पेज पर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी है और व्हाट्सअप सपोर्ट भी वहाँ पर अवेलेबल करके दिया है, तो जल्दी से जाके चेक कीजिएगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी पावर केबल, और उसके लिए आपको जरूरी है टेस्टर, जो कि आपको पता है 150-200 रुपए में मिलता है मार्केट में। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में पूछोगे कि करंट चेक करने का टेस्टर दे दो तो वो आपको दे देंगे। अभी टेस्टर की जरूरत है, टेस्टर से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पावर केबल लगी हुई है और ये पावर केबल मैंने जो सीपीयू में लगाई है वो मैंने यहाँ पे निकाली क्योंकि सीपीयू में पावर नहीं आ रहा है और वो मुझे चेक करना है कि मेरी पावर केबल चालू है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे टेस्टर इंसर्ट करूंगा और चेक करूंगा कि इसमें ये टेस्टर लाइट दिखा रहा है कि नहीं, ये दिखा दे रहा है, पावर दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये टेस्टर में पावर आ रहा है। ओके, तो टेस्टर से पावर चेक करना तो आपको बेसिकली आता होगा, ये तो ऑफकोर्स ये नहीं आएगा, ये निगेटिव है और ये आरथिंग है, तो यहाँ पे आपको पावर चेक करना है। तो ऑफकोर्स ये मेरी पावर केबल वर्क केबल है, पावर केबल चल रही है, तो पावर केबल चल रही है। अभी मैंने पावर केबल लगाई और फिर चालू किया तो भी चल नहीं रहा है। इसके बाद हमें चेक करने की बारी है SMPS यानी कि पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई होता है वो हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के अंदर का पावर सप्लाई हम कैसे चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप से कोई भी इसे कर सकता है, अगर आपको हार्डवेयर नहीं आता है तो आप घर बैठे बैठे भी इसे कर सकते हैं। जी हाँ, किसी हार्डवेयर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद चेक कर सकते कि आपका पावर सप्लाई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल स्टेप फॉलो करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीपीयू खोल के पावर सप्लाई कैसे चेक करते हैं। दोस्तों चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि SMPS पावर सप्लाई अपने कंप्यूटर का कैसे चेक करते हैं। अभी आपके मन में सवाल रहेगा कि हमें भी हैंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये मैंने प्रोफेशनल लुक के लिए पहने हैं और थोड़ा सा सेफ्टी भी हो सकता है, लेकिन आपको सेफ्टी की जरूरत तभी होती है जब आप इस पावर सप्लाई पे ज्यादा काम करो, यानी यहाँ पे AC पावर रहता है इसके अंदर, राइट। और AC पावर पे काम करते समय आपको हैंड ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि वो प्रिकॉशंस के लिए, सेफ्टी के लिए रहता है। फिलहाल आप कंप्यूटर के अंदर के पावर सप्लाई पे जब काम कर रहे हो तो वहाँ पे DC पावर रहता है, डायरेक्ट करंट। AC और DC क्या होता है इसके बारे में अलग सा चैप्टर में बनाऊंगा आपको समझाने के लिए डिटेल में। फिलहाल DC करंट पे काम कर रहे हो तो आपको हैंड ग्लव्स की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर ओनली प्रोफेशनल लुक, और थोड़ा सा डस्ट बीच लगता है तो मैंने हैंड ग्लव्स पहन लिए, मेरे पास पड़े थे तो चलो मैंने सोचा कुछ यूज कर लेते हैं। फिलहाल अभी मैंने एक डेमो कंप्यूटर लिया है आपके लिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CPU, आपको मेरा पावर सप्लाई चल रहा है लेकिन आपके लिए एक डेमो CPU मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसे ओपन करके मैंने रखा है, आपको पता है कि इसे ओपन कैसे करना है क्योंकि मैंने हार्डवेयर के पार्ट में इसे बताया है, बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं मैंने, उसके अंदर मैंने बताया। तो मैंने इसको खोल दिया अभी, अब आपको दिखाई देगा कि इस पे मैं काम कैसे करूंगा, मैं कैसे ऐसे पे चेक करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी आप इस CPU के अंदर देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है और पावर सप्लाई से जो केबल आउटपुट आ रही है DC पावर्स, ये मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगी हुई है। इसमें ये वाला कनेक्टर आपको निकालना है, इसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं, मैं इसे निकालता हूँ। निकालते समय यहाँ पे एक नॉच रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉच रहता है, इसे आपको प्रेस करना है और आपको इसे खींचना है। देखिए ये वाला नॉच आपको प्रेस करना है और प्रेस करके ऊपर खींचना है, ये निकल जाएगा, बहुत सिंपल रहता है। ये 24 पिन्स पावर कनेक्टर होता है जो कि SMPS से आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है, मदरबोर्ड में पावर देने के लिए। अभी आपको SMPS चेक करना है, तो आपको करना क्या है,
ये जो ATX पावर कनेक्टर है इसमें नोटिस करना है आपको, मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ केबल्स है जिसमें आपको चार नंबर की केबल ग्रीन दिख रही है। चार नंबर की केबल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन है, और तीन नंबर की ब्लैक है, पांच नंबर की ब्लैक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक, कोई भी ब्लैक चलेगी, तीन चार चलेगी या चार पांच चलेगी, लेकिन ग्रीन लेना ही है। ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरह का एक जम्पर की जरूरत है। एक वायर, कोई भी केबल आप ले सकते हैं जो कि इन दोनों को शॉर्ट कर सके। अब मैंने एक केबल ली है, आप कोई भी केबल ले सकते हैं इसे शॉर्ट करने के लिए। सिंपल है, मैं अभी करूंगा क्या, तीन और चार में, यहाँ पे आपको तीन और चार के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, या फिर 4 और 5 में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ब्लैक और ग्रीन शॉर्ट होना चाहिए, तो ग्रीन तो एक होना ही चाहिए, ग्रीन चार नंबर रहता है। तो मैंने 3 और 4 में इसे इंसर्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट कर रहा है ना, 3 और 4 में ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, 3 और 4 को। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसा लगा दिया। अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये तो प्रॉपरली आपको समझा होगा, याद रखिए ग्रीन और ब्लैक, कोई और नहीं करना है, नहीं तो पूरा SMPS गयो। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने जो बताया ग्रीन और ब्लैक, ये हर एक SMPS में स्टैंडर्ड कलर रहते हैं, और यही आपको शॉर्ट करने, कोई भी कंप्यूटर रहने दो उसके SMPS में आपको यही मिलने वाला है। कोई भी ब्रांड का SMPS रहने दो, सर्कल ब्रांड का SMPS हो, आईबॉल ब्रांड का SMPS हो, या कोई भी ब्रांड का, तो आपको यहाँ पे ये वाली केबल इस तरह से लगानी है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो उसमें शायद ऐसी छोटी सी पिन रहेगी, ये 10 पिन आपको दिखाई दे रही, मतलब ये 20 पिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये शायद रहेगी 20 पिन वाला ATX पावर कनेक्टर होने के चांसेस है। ये 24 पिन, ये नए वाले कंप्यूटर्स में सब में 24 पिन से मिलता है, क्योंकि अभी मदरबोर्ड को ज्यादा पावर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो ये ऐसा लगा हुआ रहता है 24 पिन वाला। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, 24 पिन कब आया, कैसे आया, और पावर सप्लाई के बारे में और भी वीडियोज में बनाऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पावर सप्लाई चेक कैसे कर रहे हैं, तो इसे ऐसा लगा दीजिए, और जरूरी नहीं कि आप इसे ग्लव्स पहन के करें, बिना ग्लव्स का भी आप कर सकते हैं, DC पावर है, डोंट वरी अबाउट इट। बस याद रखें कि ये 3 और 4 ही रहने चाहिए, या 4 और 5 रहने चाहिए, 4 यानी कि ग्रीन वायर, यहाँ पे ग्रीन देखना है, याद रखिए, इस साइड में ग्रीन नहीं है चार नंबर पे, इस साइड में ग्रीन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, अभी आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में सिंपली पावर लगा देना है। अब मैं यहाँ पे पावर केबल लगा रहा हूँ, और पावर केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, AC जहाँ पे लगाते हैं पावर सप्लाई में, वहाँ पे पावर केबल लगाने के बाद मैं सिंपली बटन स्टार्ट कर रहा हूँ, पावर बटन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे SMPS का फैन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है, और मैं आपको दिखाऊं, ये फैन इसकी वजह से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट किया है। अगर मैं इस जम्पर को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, नाउ यू कैन चेक इट आउट कि ये बंद हो जाएगा, राइट, और मैं दोबारा लगा दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट करने के लिए स्पेशली दिया गया है कि SMPS आप स्टार्ट है कि नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन और ब्लैक में आपने इसे लगा दिया तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना SMPS चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, घर बैठे बैठे आप एक सिंपल केबल से, सिंपल ये जम्पर केबल मैंने तैयार की है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं जो कि इस होल में चली जाए, ग्रीन और ब्लैक होल में, तो आप इसे लगाकर अपना SMPS वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख सकते हैं। पावर केबल कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया, SMPS कैसे चेक करना है वो मैंने बताया। अगर फैन नहीं घूम रहा है आपका तो इसका मतलब SMPS बंद है, और SMPS बंद है यानी कि आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। और SMPS कैसे रिप्लेस करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कि अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि हम नया SMPS अपने कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं, क्योंकि आप SMPS लगाने के लिए किसी हार्डवेयर वाले को कुछ पैसे दे रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप घर बैठे बैठे नया SMPS रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल्स हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे विजिट कीजिए और चेक कीजिए उन चैनल्स को, और हमारे कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे और भी हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोज चेक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।